मेंबर ट्रैफिक सर से पुनः अनुरोध करूंगा कि वो माननीय रेल मंत्री जी का अभिनंदन पूर्व से करें। थैंक यू सर। माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं उनके संबोधन के लिए। हमारे सीआर चौधरी जी और वो उपभोक्ता कार्य को भी देखते हैं और हम उपभोक्ता, इसके लिए हमारे भी मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। शेखावत जी आज ठीक है ना, क्योंकि शेखावत जी हमारे भी पुराने मित्र है। नारायण लाल पंचारिया जी हमारे चीफ व्हीप है और मैं राज्यसभा का मेंबर हूं तो व्हीप है तो उनका सुनना पड़ता है। हमारे कैलाश भंसाली जी, घनश्याम ओझा जी और मेरे साथी और मित्र हमारे कंसल्टिव कमेटी के भी मेंबर है राहुल कासवान जी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, मेंबर ट्रैफिक, सभी सम्माननीय भाई और बहनों, यह आज बहुत लोगों की पुरानी मांग है, उसको पूरा करने के लिए जोधपुर दिल्ली सराय रोहिला एक्सप्रेस जोधपुर और दिल्ली सराय के बीच में जो चलते उसको बाई वीकली से डेली करने का आज का कार्यक्रम है और डायरेक्ट ओवरनाइट कनेक्टिविटी जोधपुर दिल्ली के सुजनगढ़, चुरू, लोहारू और रेवाड़ी को भी मिलेगी और इसलिए इस कार्यक्रम के लिए मुझे कैबिनेट मीटिंग में जाना है। इसके लिए ज़्यादा भाषण नहीं देता हूँ लेकिन आपको धन्यवाद देता हूँ और जल्दी ही मेरी सम्माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से बात हुई है। राजस्थान में हम कुछ कार्यक्रम भी करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम जरूर आएंगे। साथ साथ में उसी दिन अजमेर जो भी आपका प्रोग्राम उसको भी हम करेंगे। लेकिन आज मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह से राजस्थान जो सही माने में राजों का स्थान है, अभी आज मेरे सामने जो बैठे वो भी लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी लोगों के मन में ही राज करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आने वाले दिनों में राजस्थान के लिए और सेवा करने का मौका हमें मिलेगा इसी उम्मीद रखता हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद सर। आपसे अनुरोध है सर के फ्लैगिंग ऑफ के लिए आप सभी गणमान्य अतिथियों के साथ इस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। धन्यवाद।